हेलो कैंडिडेट्स, देखिए मैंने बताया कि रोबोटिक्स की ह्यूमन से मैपिंग, क्योंकि मैपिंग ह्यूमन से की जाती है तो मशीन बनाई जाती है, क्योंकि हमें उसी तरह वर्क करवाना है उसको, ठीक है। तो ह्यूमन से मैपिंग के लिए हम कुछ एनाटॉमिकल कोऑर्डिनेट्स देते हैं रोबोटिक्स में, किस तरह से मैप करते हैं किसी चीज को। ये देखिए, दिस इज द किसी तरह किसी मशीन की मैपिंग एक लिविंग ह्यूमन या लिविंग बींग से किस तरह से की जाती है, बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस स्प्लिटिंग से की जाती है, वो इस तरह से रोबोटिक्स में होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस स्प्लिटिंग। ओके, अच्छा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें देखिए, दीज आर द लिंक ज्वाइंट्स, उसको इस तरह से बाद में मैप किया जाता है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, मैपिंग करने के बाद उनकी मैट्रिसेस बनाई जाती है, मैट्रिसेस पर वर्क करने के बाद देन वी विल कंप्यूट द पैरामीटर्स, फिर उसके पैरामीटर्स को हम कंप्यूट करते हैं, जैसे कि हमारा यहां हो रहा है, ठीक है। पैरामीटर्स जो है उसको किस तरह से हमने मैनिपुलेट किया है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं तो कुछ प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। प्रिहेंशन मतलब ग्रिपिंग कैसे की जाती है, मोटा माटी हम अगर बात करें, देखिए इस तरह से प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी मतलब किसी को ग्रिप करना, तो उसके उस ग्रिपर्स के टाइप्स उनको भी मैप किया जाता है। देखिए जॉ टाइप की ग्रिपर्स हैं ये, ठीक है, ग्रिपर की कैटेगरी है, ड्राइव सिस्टम्स की बेसिक टेक्नोलॉजी है, और उन ग्रिपर्स को भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फ्रेम करते हैं, ठीक है। दीज आर टाइप ऑफ ग्रिपर्स, इस तरह से वैक्यूम गॉज ग्रिपर्स होते हैं, कई तरह के ग्रिपर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको सब बताया जाएगा। इसमें टोटली फिजिक्स का, बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है ये इंजीनियरिंग में। और देखिए एक फिश कैसे ग्रिप करती है, उसकी मॉडलिंग कैसे की गई है, ठीक है, एक बर्ड के जो अपने क्लॉज से कैसे ग्रिप करती है उसकी फंक्शनैलिटी है, केकड़ा कैसे ग्रिप करता है उसकी फंक्शनैलिटी है, ह्यूमन हैंड कैसे, ह्यूमन हैंड को हमने रिस्ट कॉन्फ़िगरेशंस में मतलब रोटेशंस में बांट दिया एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, ये प्योर ह्यूमन हैंड किस तरह से हम उसको मॉडल है, मैप करना है, बेसिकली हमें मैपिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कुछ ग्रिपिंग मैकेनिज्म मैंने बनाई है, मतलब कोशिश की बनाने की, ठीक है, उस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। जब आप पढ़ लोगे तो आपको, आप भी इसी तरह से जॉइंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब इसमें बहुत चीज़ें आती हैं। अब आपको सोचने की क्षमता के लिए आपको न्यूरो फजी कंट्रोलर्स पे आना पड़ेगा, ये भी आपका इसमें पढ़ने वाला पार्ट है, ठीक है। इट कंटेन्स ऑफ न्यूमरस थिंग्स, लर्निंग प्रोसीजर, किस तरह से लर्निंग प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है, ट्रेनिंग किस तरह से ली जाएगी। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि जो है उसके बाद मोटर सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि आपको एक्चुएटर्स मोटर्स होते हैं जिनसे आपको वर्क कराना, वो भी आप इसमें पढ़ोगे, मोटर सिलेक्शन, ठीक है, वो कैसे करोगे, उस पर क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे उस मोटर सिलेक्शन पर, ठीक है, वो सब भी आपको जो है देखना है। ये टॉक ग्राफ बनते हैं इस पर कुछ, ठीक है, ये प्रोसीजर्स हैं, सर्वो मोटर मतलब सर्वो मोटर्स होते हैं जो इनमें फीडबैक लगी होती है, भाई आपको ये भी चेक करना है जो हमने किया वो सही है, तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करेंगे हम, इवेल्युएशन प्रोसीजर्स हैं ये, ठीक है, कुछ एक टेबल चार्ट बनता है, ठीक है, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या चीज मॉडल करनी है। ओके, ये सब मॉडलिंग पैरामीटर्स हैं, ठीक है, सिंगल एक्सिस कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल ऑफ सिंगल एक्सिस, सिंगल एक्सिस मतलब आपका एक ज्वाइंट को कंट्रोल करने की क्या क्या चीजें लगती हैं उसकी स्टडी है इसमें, ठीक है, ये भी आपका जो है एक पार्ट है जो रोबोटिक्स के अंदर
आपको सिखाया जाएगा।